संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ को सलाह दी है कि हमारा काम नमो नमो करना नहीं है। ये बातें मोहन भागवत ने बेंगलुरु के संघ प्रतिनिधि सभा में कही है। इस सभा में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार मोहन भागवत को यह सलाह देने की जरूरत क्यों पड़ी। हमें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए, यह कहना था संघ प्रमुख मोहन भागवत का। अपने लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए, हम राजनीति में नहीं है, हमारे काम लोगों की सेवा करना है और यही काम करना है, ना कि नमो नमो करना। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार मोहन भागवत ने इस तरीके की सलाह संघ कार्यकर्ताओं को क्यों दी, और वो भी तब जब खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह उसी मंच पर मौजूद थे। मोहन भागवत ने आखिर ये क्यों कहा, जरा देखिए। हम राजनीति में नहीं है, हमारा काम नमो नमो करना नहीं है, हम अपने लक्ष्य के लिए काम करना है, हमें हमारी मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। इस समय सवाल ये नहीं है कि कौन आना चाहिए, बड़ा सवाल ये है कि कौन नहीं आना चाहिए। कई बार हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपस में विरोधाभासी लगते हैं। चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए काम करते हुए स्वयंसेवकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं हैं। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत बेंगलुरु में पहुंचे थे, संघ कार्यकर्ताओं को ये सलाह दे रहे थे। उनका कहना था कि संघ को ये ध्यान में रखना चाहिए, संघ कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार में बीजेपी का समर्थन करते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो कोई राजनीतिक दल नहीं है, वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। स्वयंसेवक ने संघ को चाणक्य बताया था। आपको बता दें, संघ प्रतिनिधि सभा में भागवत ने ये बयान दिया कि हम राजनीति में नहीं है, हमारा काम नमो नमो करना नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जिस नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने सीनियर लीडर्स को किनारा करने तक की सलाह दे डाली थी, आखिरकार क्यों वो ये कह रहे हैं कि नमो नमो करना उनका काम नहीं है। संघ प्रचारक विराग पचपोर ने मोहन भागवत के बयान पर कहा है कि उन्होंने स्वयं सेवकों को सलाह दी है। सरसंघ चालक जी ने ये कहा, ऐसा समाचार भी आया है वर्तमान समाचार पत्रों में। संघ का एक लक्ष्य है सारे समाज का संगठन करना, और इसलिए संघ की प्रार्थना में भी कहा है परम वैभवम नेतु मेतत स्वराष्ट्रम, अपने इस देश को परम वैभव तक पहुंचाना सारे समाज का संगठन करके, ये संघ का लक्ष्य है। और ये स्वाभाविक है कि उन्होंने अपने स्वयंसेवकों को ये बताया होगा, इसकी याद दिलाई होगी कि हमारा लक्ष्य जो है वो बहुत बड़ा है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मोहन भागवत के मोदी पर दिए बयान पर कहा कि मोदी ने पैसे के बल पर बीजेपी और आरएसएस को खरीद लिया है, क्योंकि बीजेपी के पोस्टर में सिर्फ मोदी ही नजर आते हैं। आप तो दिल्ली में लगे पोस्टर देख लीजिए, भाजपा का तो नाम ही कहीं नहीं है। अब भाजपा की सरकार नहीं है, मोदी की सरकार। भाजपा छोटी हो गई, मोदी बड़े हो गए। कहां गए अटल बिहारी वाजपेयी, कहां गए अडवाणी जी, कहां गए वो सारे लोग जिन्होंने भाजपा तो यहां तक पहुंचाया। पैसे के दम पर, पैसे के बल पर नरेंद्र मोदी ने भाजपा को खरीद लिया है, संघ को खरीद लिया है। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पूरे मामले पर। कपिल सिब्बल, शिवानंद तिवारी और साथी अतुल अंजान का इस पूरे मामले पर क्या कहना है वो सुनिए। सभा में आरएसएस चीफ जो है मोहन भागवत साहब ने एक हिदायत दी अपने कार्यकर्ताओं को कि अपने लिमिट में रहें, नमो नमो ज्यादा न करें, इस पे क्या रिएक्शन? मैं क्या रिएक्शन दूंगा, जिसकी 56 इंच की छाती है कहते हैं खुराफाती है। भागवत जी अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं कि नमो नमो नहीं करो, तो भाई राम राम नहीं जपेगा तो क्या जपेगा? तो अभी राम जो है नमो के ही रूप में है, इसलिए अगर नमो नमो रट रहे हैं उनके कार्यकर्ता तो एक्चुअली राम राम रप रहे हैं, क्योंकि अशोक सिंगल जैसे लोग और ऐसे और लोग हैं जो उनको राम के ही प्रतीक के रूप में देख रहे हैं। इसलिए अब आगे बात चली गई है, मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वो अब भी नरेंद्र मोदी के कद के सामने उबोने दिखाई दे रहे हैं। उनका अब उनके हाथ में भी नहीं रह गया है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को या पार्टी को या संघ को इस रोक सके।
भागवत जी कह रहे हैं कि उनको मालूम पड़ गया कि ये जो नरेंद्र मोदी की चाहे जितनी बताई जा रही हो आंधी, ये हकीकत में आंधी नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामले में आरएसएस ने दखलंदाजी करके उसका अपने ऊपर पूरा गिरोहबंदी कर ली है, वो उनके अधीन हो गई है, और अगर कहीं नरेंद्र मोदी नहीं बनते हैं, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, इसलिए अब वो अपने को अलग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आरएसएस के कार्यकर्ता और आरएसएस के प्रचारक नमो नमो न करें। भागवत जी, आपकी तो बात वही हुई कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली।